पिछले लेक्चर में हमने बात की है सेट्स होते क्या हैं, किस तरह चीजों को in one group put together कर सकते हैं, डिस्टिंग क्या होता है वेल well डिफाइंड क्या होता है एंड वाई इज अ सेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स उस सब के बारे में बात करने के बाद आज हम बात करें डिफरेंट टाइप्स जिससे हम सेट्स को नोटेट कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं सो व्हाट आर वेज अब तीन अलग तरीके होते हैं ठीक है एक में तो ये होता है कि आप बस डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दो कि इस सेट के अंदर हमने ये लिखना है जैसे अगर आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम लिखना है तो आप लिखो एक्स जो है नेम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स उसमें ना आपने कोई कर्ली ब्रैकेट्स डाले ना आपने कोई नाम डाले आपने बस डिस्क्राइब कर दिया कि उस सेट में क्या आएगा दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव नोटेशन ठीक है इसी तरह दूसरी होती है जिसमें आप एक्चुअली वो चीजें जो है कर्ली ब्राकेट्स के अंदर मैंशन करते हो उनके दरम्यान कॉमास डालते हो

फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव नोटेशन सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ये होता है कि आप जो है ना आप कोई करली ब्राकेट इस्तेमाल करते हो ना आप कॉमासमालते हो ना आप सेमी कोल इस्तेमाल करते हो सिंपली आपने सेट का नाम लिखा जैसे सेट ए है सेट बी है और आपने आगे क्या बताया आपने आगे स्टेटमेंट में बता दिया कि इस सेट के अंदर क्या आएगा जैसे अगर आप यहाँ देखो सेट एक्वल्स टू सेट ऑफ वावल्स इन द इंग्लिश देश ठीक है तो मैंने एक स्टेटमेंट में ये मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि सेट किस तरह से है ठीक है सेट ए है और उसके अंदर सारे वावल्स हैं इंग्लिश एल्फाबेट के कौन कौन से होते हैं वावल्स एंड यू e, तो मैंने बजाय इसके कि मैं उनको लिखती हूँ मैंने एक स्टेटमेंट फॉर्मेट डिस्क्राइब किया है कि मेरे सेट के अंदर क्या आएगा इस तरह के तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन आए आगे चल के और भी तरीके देखें

जैसे अगर हम वही वावल्स वाला सेट ले लें जो हमने अभी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिया तो बजाय इसके कि हम स्टेटमेंट लिखें कि यहाँ पर इंग्लिश वाले वावल्स आएंगे हम उन वावल्स को उन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ए ए इक्वल्स ई आई ओ यू सेट वही है सेट ए जो था वहां पर वावल्स वाला वही है लेकिन वहां पर हमने इसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से नोटेट किया और यहाँ पर हम क्या करें यहाँ पर हम इसको टैबुलर तरीके में एक्सप्रेस करें तो ये दो डिफरेंट तरीके हो गए अब हम देखते हैं हमारे जो थर्ड टाइप है उसको थर्ड टाइप इज सेट बिल्डर नोटेशन अब इसमें क्या होता है इसमें ये होता है कि ना ही आप स्टेटमेंट दोगे ना ही आप टैबुलर फॉर्म में सारे के सारे डेटा को एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करोगे उसके बजाय आप क्या करोगे आप इस तरह करोगे कि आप एक रूल के फॉर्म में बताओगे कि इस सेट के अंदर क्या आएगा और उसके लिए आप क्या करते हो रूल्स आप बनाते हो एक्स के साथ कि जो है उसकी वैल्यू ये होगी एक्स जो है वो ये चीज अप्लाई करेगा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखो एक्वल्स एक्स और फिर हमने बताया कि इज वावल ऑफ द इंग्लिश एल्फाबेट ठीक है तो ए जो है वो एक्स है और एक्स क्या है एक्स जो है एक वावल होता है इंग्लिश एल्फाबेट का वही बात हो रही है लेकिन हमने उसको एज ए रूल ऑफ एक्स जो है एक्सप्लेन कर दिया तो अब एक्स की हम अलग अलग वैल्यूज जो जो वावल्स हैं ए

तो अगर आपको कभी नजर आए कि यहाँ पर सेमी कोलम की जगह किसी ने एक डैश डाली हुई है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कॉम्प्रिहेंड करना कि इट मीन्स द सेम थिंग उसके अलावा अगर हम हाँ टैबुलर नोटेशन की बात करें उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभी आप देखोगे एलिप्सिस जिनको हम डॉट 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 भी कहते हैं वो इस्तेमाल होते हैं उसका मकसद ये होता है कि अगर तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये पांच चीजें लिखनी है आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखने की जरूरत तो आप सिंपली इनको लिख सकते हो लेकिन सोचे अगर कोई आपसे कहे एक सेट में वन से लेके हंड्रेड तक नंबर्स लिखें तो आप क्या आप सारे नंबर्स को बैठ कर लिखोगे वन टू फिर हंड्रेड तक जाओगे सेट को कंप्लीट करने के लिए नो दैट इज नॉट सेंसिबल तो फिर आप क्या करोगे आप लिख दो दोमा डॉट 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 का मतलब है कि इसके बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं फिर कॉमा डाला हंड्रेड लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया एंड पे आपने हंड्रेड लिख दिया शुरू पे आपने वन लिख दिया दरमियान में दो तीन नंबर डाल के आपने डॉट 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 लिख दिया इससे पता चला है कि जी यहाँ से लिखी यहाँ तक नंबर्स इसके अंदर आने हैं सेट के अंदर लेकिन आपको वो सारे जो है लिखने नहीं पड़े

तो उन्होंने आपको कुछ डिफरेंट सेट्स दिए हुए किस फॉर्म में दिए की फॉर्म में उसको आपने चेंज करना है में। में तो अगर आप मेरे साथ देखो, set का नाम है है N, N आते हैं हैं की मतलब शुरू होते वन से होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से, से हमने वन से स्टार्ट करने वो नंबर हैं जो सिक्स से पहले आते हैं लेस देन सिक्स से कम है तो वन टू थ्री फोर फाइव मैंने फॉर्म में इसको दिखा दिया। कर ली ब्रैकेट्स डाल दिए में में कॉमास डाल दिए और इसी सेट को, सेम सेट को को सेम मैंने अब फॉर्म एक्सप्रेस कर दिया। कि six से पहले कौन कौन से नंबर आते हैं exactly हम करेंगे वीक क्या हो रहा है यहाँ पर अगेन उन्होंने सेमी कोलम की जगह लाइन यूज की है

डॉट 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 कॉमा और एंड पर संडे इसका मतलब है कि दरम्यान में कंटिन्यू हो रहे हैं डेज और फिर एंड पे संडे आ गया एंड यू क्लोज द ब्रैकेट तो वही चीज जो है आपने क्या कर दिया आपने टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरह से आपने हल करना होगा आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि सेट में क्या लिखना है और उनको एक टैबुलर फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है सो गो अहेड डू दैट एंड उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे So I hope you've completed question number one. Question number two is write and set builder form. अब आपने वो x के जो साथ जो rule बना के apply करना होता है, उस तरीके में अपने sets को show करने हैं. So if we look at it, आपको ने set दिया है tabular form में, which is p equals a b c dot 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 z. तो सारे के सारे English के alphabets जो set में आ रहे हैं. आपने x की form में x के साथ rule बनाकर इसको express करना है set builder form में. वो आप कैसे करोगे उसका तरीका ये होगा p इक्वल्स bracket X X is a letter ऑफ द इंग्लिश alphabet तो जो भी X की आइडेंटिटी है ना वो आपने आगे लिख देना है है कि X ये चीज चीज अब इस description को जो-जो फिल करती है वो चीज इसमें ऐड होती जाएगी तो अब सारे के सारे X हर वो लेटर होगा जो इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास है उसमें आता है ठीक है तो ए टू जी सारे लेटर्स इस सेट में आ जाएंगे ये तरीका होगा दूसरा पार्ट है सी इक्वल्स थ्री सिक्स नाइन डॉट 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 का मतलब यहाँ पर कंटिन्यूड और हमें क्या पता चल रहा है हमने दूसरे तरीके में सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेट करना हो तो हम क्या करेंगे एक्स X इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री ब्रैकेट क्लोज बहुत सिंपल तरीका जो हमें पता है किस तरह से करना है हमने वो अप्लाई कर लिया इसको कन्वर्ट कर लिया इसके भी बाकी आपने इसी तरीके से खुद से कम्प्लीट करने हैं ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन नहीं और आपके सारे इस फॉर्मेट में जो कि सेट बिल्डर नोटेशन का फॉर्मेट है उसमें होने right तो फॉर्म में लिखना है लेकिन क्वेश्चन नंबर वन में आप सेट बिल्डर फॉर्म से जा रहे थे अब आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से अपनी नोटेशन को कन्वर्ट करना है तो उन्हें आपको बताया है पहले या दूसरा पार्ट हम करें यहाँ पर सेट ऑफ वन डिजिट नेचुरल नंबर्स वन डिजिट क्या मतलब जिनमें सिर्फ एक डिजिट आता हो जैसे कि वन से लेकर नाइन तक एक डिजिट होता है काउंटिंग का टेन में दो डिजिट आ गए वन और जीरो तो जितने भी टेन से ऊपर है नाइनटी नाइन तक उनमें दो डिजिट हैं ठीक है थीके? ये जो वन डिजिट और टू डिजिट नंबर है ये आपने बहुत अर्ली ऑन क्लासेस में पढ़े हुए होंगे ठीक है तो वो आपसे कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं उन सब में जितने भी वन डिजिट है वो वाले लिखे दोज आर वेरी फ्यू नाइन तक सिर्फ वो होते हैं तो आप उसका सेट बना सकते हो एन खुद ही जरूरत नहीं है डॉट 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 का मतलब यही है कि थ्री से लेके आगे नाइन तक की कंटिन्यूट है और फिर नाइन एन पे क्योंकि लिमिट है नाइन से ऊपर नहीं जाना आपने वो कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया तो आपने अपने ही सेट को किस तरह से एक्सप्रेस कर दिया और फिर आप उनको ब्राकेट में लिखोगे सेट को कोई नाम दोगे मैंने 11, 13, 15, 17, ये सारे वो नंबर है जो

तो हमने टेन से लेकर नाइनटी नाइन तक का सेट बनाने टी मैंने इसको नाम दे दिया बिकॉज वीअर टॉकिंग अबाउट टू डिजिट नंबर्स एंड देन टेन इलेवन 12 डॉट 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 99 क्योंकि दिस विल गो टू 99 और इसके बाद आपने क्या किया ब्रैकेट इतना क्लोज कर दिया ये हो गया टैबुलर फॉर्म में सारे के सारे टू डिजिट नंबर्स जो हैं आपके वो आ गए इसमें सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई है और आप बाकी सारे पार्ट्स में अपने होमवर्क में अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे यहाँ से गाइडेंस यूज करेंगे इस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे इसके साथ हमारी एक्सरसाइज वन बी भी, भी खत्म होती है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम्स की बात करनी है और फिर एक्सरसाइज वन सी करनी है तो उस लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज